दोस्तों, रजिस्ट्रेशन एकेडमी के नोटिफिकेशन प्लेलिस्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। विद्युत सेवा आयोग के द्वारा यूपीपीसीएल यानी कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत जो है एआरओ एवं एए यानी कि असिस्टेंट अकाउंटेंट यानी कि सहायक लेखाकार के लिए जो है भर्ती हेतु नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। दोनों ही पदों के लिए अलग अलग आवेदन करने हैं और अलग अलग उसकी तिथियां निर्धारित की गई हैं, तो हम एक एक करके इसके विभिन्न प्रकार के जो क्राइटेरिया एग्जाम के जो मानक इत्यादि को देखेंगे और इसके माध्यम से आप लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से इसमें जो है आप लोगों के भर्ती के जो है अवसर आए हुए हैं। तो हम एक एक करके इसको देखेंगे। एआरओ को पहले हम इसमें कवर करने का प्रयास करते हैं। तो यूपीपीसीएल के अंतर्गत जो है विद्युत सेवा आयोग के द्वारा जो है इसमें 14 पदों के लिए जो है आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं और इसमें जो डेट है निर्धारित की गई है वो 7 अक्टूबर से लेकर के 27 अक्टूबर 2021 के जो है मध्य में आमंत्रित किए जाएंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं, उसमें बाकायदा सारी क्राइटेरिया और मानक को निर्धारित कर दिया गया है, लेकिन आवेदन जो है वो आपको 7 अक्टूबर से जो है प्रारंभ करना है और यह आवेदन की प्रक्रिया 27 अक्टूबर तक जो है चलेगी। तो इसमें टोटल जो है 14 पदों के लिए यूपीपीसीएल के अंतर्गत जो है भर्ती हेतु विद्युत सेवा आयोग के द्वारा आमंत्रित किए जाएंगे। इसकी जो शैक्षिक योग्यता है वो जो है स्नातक प्लस जो है WPM यानी कि टंकर की भी इसमें जो है ज्ञान मांगी गई है, यानी कि 30 वर्ड पर मिनट के गति से आपको जो है टाइप का भी ज्ञान होना आवश्यक होगा और प्लस आप जो है किसी भी जो है स्ट्रीम में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको स्नातक की डिग्री प्राप्त करना है। यहाँ पे ध्यान में रखना होगा कि स्नातक के लिए किसी विशेष प्रकार के स्ट्रीम की आवश्यकता नहीं व्यक्त की गई, आप साधारण स्नातक हो और प्लस टाइप की जो क्षमता आपके पास हो तो आप इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। और जो आयु की योग्यता है, दो प्रकार की योग्यताएं हैं, वो 21 से लेकर के जो 40 वर्ष के आयु वर्ग के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं और इनमें आवेदन करने के लिए जो शुल्क निर्धारित किए गए हैं वह जो है 1180 रुपये UR एंड OBC के लिए और 826 रुपये जो है SC एंड जो है ST के लिए। अब यहाँ पर ये 1180 और 826 रुपये दिखाई पड़ता है, बहुत ही अलग टाइप की डिजिट है कि कोई सोच सकता है कि 1200 रुपये क्यों नहीं और या 850 रुपये या 800 रुपये क्यों नहीं किया गया। तो इसमें ये ध्यान में रखना होगा कि GST के भी रेट इसमें जोड़े गए हैं, तो इस आधार पर इसके जो शुल्क की दरें हैं वो जो फीस है वो इस तरीके के जो है आंकड़ों में दिखाई पड़ रहा है। खैर जो भी हो, आपको इस तरीके से फीस का आवेदन करना है, जो शुल्क 1180 और 826 रुपये जो है लिए जाएंगे। योग्यता में सबसे ज़्यादा ध्यान में आपको रखना है क्योंकि इन्हीं के आधार पर आप उसमें आवेदन कर पाएंगे। इसके साथ साथ में जो है शुल्क के बाद जो चयन की प्रक्रिया होगी वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। चयन किस आधार पर जो है होगा, चयन के लिए जो है आपको दो भाग में, जो एक लिखित परीक्षा और एक टाइप तो होगी ही, तो लिखित परीक्षा आपकी जो है वो दो भागों में बटी हुई है। प्रथम भाग में जो है आपको 50 प्रश्न और द्वितीय भाग में जो है आपको 200 प्रश्नों की जो परीक्षा होगी, ये एक ही लिखित परीक्षा के स्तर पर संपन्न होगा, लेकिन दो भाग में परीक्षाएं होंगी। ये जो है प्रत्येक जो है 1 मार्क्स का होगा और इसमें जो है 1/4 जो है अंक माइनस मार्किंग के लिए निर्धारित किए गए हैं और टोटल परीक्षा में 20 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। और इस परीक्षा का नेचर जो है वो क्वालिफाइंग प्रकार का है, अर्थात इसके मार्क्स जो है पूरी मेरिट के निर्धारण में जोड़ी तो नहीं जाएगी, लेकिन ये मार्क्स आपको प्राप्त करना आवश्यक है। यदि मार्क्स प्राप्त नहीं करते हैं तो आप पूरी परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना होगा कि 50 प्रश्नों में यहाँ पे प्रत्येक 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और माइनस मार्किंग 1/4 होगी और ये परीक्षा का जो नेचर होगा वह ओ लेवल के ज्ञान के जो है समतुल्य जानकारी रखने वाले कैंडिडेट से अपेक्षा की जाएगी कि वो इसकी जानकारी ओ लेवल में जो भी सिलेबस है उसके आधार पर यह रखे। और प्लस दूसरा जो है वो लिखित परीक्षा CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT जिसको कहा जा रहा है। इसमें 4 प्रकार के जो है जानकारियां जो है आपसे पूछी जाएंगी, इसमें हिंदी, इंग्लिश,
ये दोनों ही जो है इंटरमीडिएट के लेवल के जो है हिंदी इंग्लिश की जो है आप इच्छा आपसे की जाएगी। तार्किक ज्ञान यानी कि रीजनिंग इसमें जो है रखा गया, तार्किक ज्ञान रखा गया है, तो इसमें आपको जो है तार्किक ज्ञान यानी कि रीजनिंग और चौथा जो है इसमें जीएस के पोर्शन पूछे जाएंगे। अब जीएस में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र सारी चीजें इसमें जो है पूछी जा सकती हैं। तो कुल मिलाकर के यह है परीक्षा का जो एआरओ जो कि विद्युत सेवा आयोग के द्वारा यूपीपीसीएल में जो भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित करने जा रहा है 7 तारीख से, उसके लिए परीक्षा का स्ट्रक्चर है और इसके आधार पर यह क्वालिफाइंग नेचर होगा। आपके मेरिट का निर्धारण इसी के जो आधार पर होगा और इसमें प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर जो है आपका चयन इस पद के लिए जो होगा। तो ये जो भर्ती थी वो है एआरओ के लिए जो है, तो आप इसी में जो है हम लोग जो है सहायक लेखाकार भर्ती के लिए भी जो है कुछ मानकों को इसमें देख लेते हैं। सहायक लेखाकार भर्ती के लिए जो क्या मानक निर्धारित किए गए, इसके लिए जो टोटल पदों की जो संख्या है वो 240 पदों पर जो है आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। इसमें जो परीक्षा आवेदन की जो तिथि है, आवेदन की तिथि पर देखा जाए तो यह 8 अक्टूबर से लेकर के जो है 28 अक्टूबर के बीच में इसमें आवेदन जो है किए जा सकते हैं। जहां पर इसमें जो है 7 अक्टूबर से 27 अक्टूबर था, वहीं पर इसमें 8 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच में आप आवेदन कर सकते हैं। और यहां पे जो योग्यता है वो दो प्रकार की योग्यताओं की अगर बात की जाए शैक्षिक के अंतर्गत जो है, तो इसमें वाणिज्य स्नातक का मतलब जो है कॉमर्स से है, वाणिज्य स्नातक, और दूसरा जो है आयु के आधार पर जो योग्यता है वो है 21 से लेकर के 40 वर्ष की आयु वर्ग के लोग इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं। 40 से लेकर के और 21 से लेकर के 40 वर्ष के आयु वर्ग के लोग इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं। दूसरी तरफ इसमें जो फीस निर्धारित की गई है वो इसी तरीके से है, इसमें 1180 रुपये प्लस जो है 826 रुपये का शुल्क इसमें लगाया गया। और जो चयन के जो आधार हैं वो चयन के आधार में आपको दो प्रकार के भागों में आपकी परीक्षा बटी हुई होगी, एक जो है 50 क्वेश्चन के आधार पर और एक जो है दूसरा 150 क्वेश्चन के आधार पर। जिस तरीके से उसमें 200 क्वेश्चन थे उसमें 150 क्वेश्चन थे। यहाँ पर जो है चयन की प्रक्रिया में जो है 50 क्वेश्चन वही ओ लेवल के स्तर की जो परीक्षाएं यहाँ पे पूछी जाएंगी। इसमें आपको जो है 1/4 अंक माइनस मार्किंग है और यहाँ पर ध्यान में रखना होगा 50% क्वेश्चन यहाँ पे सही होना आवश्यक होगा। इस तरीके से ये परीक्षा का जो आयोजन किया गया है। और दूसरी परीक्षा जो है वो आपकी जो है वो 150 अंकों की होगी, दूसरी परीक्षा 150 अंकों की होगी। और 150 अंकों में जो है यहाँ पे GS हिंदी इंग्लिश और GS है, हिंदी है, इंग्लिश है, और प्लस आप में चौथा जो पार्ट होगा जैसे यहाँ पे जो है GS का था उसी तरीके से यहाँ पे अकाउंटिंग से रिलेटेड होगा पार्ट, चौथा पार्ट, जिसमें अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग और इसके साथ इनकम टैक्स इत्यादि की जो जानकारी होगी। तो ये सिलेबस आपका होगा जो है CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए जो है ये जो है मानक यहाँ पर जो है रखे गए हैं। तो दो पार्ट में ये आपकी जो परीक्षा पूरी जो बटी हुई होगी और इन दोनों परीक्षाओं में जो है आपके माइनस मार्किंग में पहला पार्ट जो होगा और दूसरा पार्ट। यहाँ भी ये भी जो है ध्यान में रखना होगा कि इसमें अगर आप 50% अंक पाते हैं तभी आपका जो है मूल्यांकन CBT का होगा, जो कि आपके चयन का महत्वपूर्ण आधार बनाता है। तो कुल मिलाकर के ये महत्वपूर्ण जो है जानकारियां थी। इसमें एक और चीज़ है, 12 रुपये अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति है तो उसके लिए जो 12 रुपये के जो शुल्क जो है लगाए गए हैं। तो कुल मिलाकर के ARO और असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए जो इस तरीके की जो भर्ती की हेतु जो है आवेदन आपको जो है करने होंगे। यहाँ पे वाणिज्य में स्नातक है और यहाँ पे साधारण स्नातक की डिग्री है और दोनों के अलग अलग आपको आवेदन करने होंगे। और इसके आधार पर यहाँ पर 240 पद हैं तो ठीक ठाक पद हैं और आप ये आवेदन करेंगे तो यहाँ संभावनाएं आपके लिए जो बढ़ जाती हैं कि आपका जो चयन इसमें हो पाएगा। तो कुल मिलाकर के जो है यह दोनों ही पदों के लिए विद्युत सेवा आयोग के द्वारा निकाली गई महत्वपूर्ण भर्ती है। इसके माध्यम से जो आपको अपने जो है इस भर्ती में सम्मिलित होने के लिए अभी से तैयारी प्रारंभ कर देना चाहिए ताकि आसानी से इस प्रक्रिया में आप जो है सम्मिलित हो सके। तो आज के इस नोटिफिकेशन के लेक्चर में बस इतना ही, पुनः अगले लेक्चर में एक नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।